अग्निपथ योजना अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। देश में योजना के विरोध में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। अब तक 5 ट्रेनों को आग के हवाले किया जा चुका है तो रोडवेज और सरकारी कार्यालयों में कई जगह तोड़फोड़ की गई है। उधर इस अग्निपथ को लेकर सियासत भी गर्माने लगी है। भाजपा ने युवाओं से बहकावे में नहीं आने को कहा है। भाजपा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि अग्निपथ से युवाओं का भविष्य संवरेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि इसके बारे में जितनी चर्चाएं हुई हैं, जो बातें कही गई हैं, मुझे लगता है कि सेना के अधिकारियों ने इसको स्पष्ट भी किया है और प्रदेश के और देश के अनेक हिस्सों के नौजवानों ने इस अग्निपथ की योजना का सहयोग और समर्थन भी किया है। मैं चाहूंगा कि इस योजना की सच्चाई को समझें और इस आधार पर नौजवान इस अवसर का लाभ उठाएं। युवाओं के विरोध के स्वर के बीच विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। उधर युवाओं ने अग्निपथ के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है, जिसको आरजेडी ने समर्थन दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अग्निपथ योजना पर सवाल उठाए हैं, साथ ही केंद्र से सवाल किया है कि 4 साल बाद युवा कहां जाएंगे। गहलोत ने युवाओं से इस दौरान अपील करते हुए कहा कि युवा विरोध प्रदर्शन करें लेकिन हिंसा नहीं करें। अगर आपको इसराइल की तरह बात आपके दिमाग में आई तो देशवासियों को युवाओं को विश्वास में लेना चाहिए था आपको। अचानक आपने जो लोग इंतजार कर रहे थे लाखों लोग नौकरी का, उसकी बजाय आपने थोप दिया उनके ऊपर अग्निपथ और अग्निवीर। अब मुझे तो चिंता लगी हुई, कहीं ये आरएसएस के नौजवान जो है उनको बीजेपी के नौजवानों को भर्ती करके 4 साल की ट्रेनिंग दिला के उनको कहाँ भेजेंगे। केंद्र सरकार अपने 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम कर रखी है और उपलब्धियां गिना रखी है, लेकिन युवाओं का बढ़ता आंदोलन केंद्र सरकार को घेरता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जनटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में बात करेंगे अग्निपथ के अग्निवीरों के संयम की परीक्षा की। परीक्षा से पहले ही आपा खो बैठ रहे हैं, अभ्यर्थी क्या होगा आगे, लेकिन अगर किसी के केस दर्ज होता है तो आपका जीवन खराब हो सकता है, यानी कि आपकी नौकरी के लिए मुसीबत बन सकती है अगर नॉन वेलेबल ऑफेंस में अगर आप चले गए तो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन संयम से काम लेना चाहिए, गांधी का मूल कह, और धैर्य रखें। सरकार पे आप प्रेशर बना सकते हैं लेकिन माध्यम दूसरे हैं। जो लोग परेशान हो रहे हैं, कोई ट्रेन के जरिए अपना सफर तय कर रहे हैं, कोई बस के जरिए कर रहे हैं, अगर उन लोगों को तकलीफ होती है तो वो भी आप ही में से कोई हैं, आप ही के परिवार के सदस्य की तरह मानिए। 8 राज्यों में ये आग फैल चुकी है, बिहार बंद का ऐलान किया गया है और धीरे धीरे यूथ आगे निकल करके आ रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष इसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है, लेकिन क्या इसमें कुछ साजिश है कि अचानक ये आग कैसे फूली फैल गई, या फिर ये कहें कि सरकार के स्तर पर कोई चूक रही है जिसे युवाओं को समझा नहीं पाए, क्या कोई डायलॉग नहीं हो पाया या किसी तरह के कोई डिस्कशन नहीं हो पाया, वजह क्या? अगर सरकार ने डिस्कस किया है तो संयम रखना चाहिए युवाओं को, और कहीं भी गुंजाइश है तो उसे दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का यह कहना है कि सरकार को अगर लेकर के आना था तो सभी जगह पे नहीं, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेना चाहिए था। कई मुल्क हैं ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए अपने जवान रखते हैं, लेकिन भारत में क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है, यह भी एक बड़ा सवाल है। 18 महीने में मोदी जी को 10 लाख भर्तियां करनी है, लेकिन जिन युवाओं के भर्ती के अवसर दे रहे हैं उनका यह कहना है कि जब आर्मी में 4 साल के लिए आप भर्ती कर सकते हैं तो दूसरे सेवाओं में भी कर सकते हैं। खैर चलिए, अपना अपना पक्ष है, मैं आगे शुरू करना चाहूंगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन जुड़े हैं, भाजपा से शैलेंद्र गुजर साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जुड़े हैं, सबका स्वागत है। मैं आपके पास आना चाहूंगा शैलेंद्र जी। सबसे पहले एक तो कई बार ये बात कही जाती है या कई जगह से निकल करके आ रहा है कि सेना में पर तो रहम करिए, विपक्ष के लोगों के लिए कहा जा रहा है कि इस पे तो साजिश मत रचिए। जो आंदोलन आ रहा हो रहा है, सारी कुछ चीजें चल रही हैं, उसमें क्यों लगता है ऐसा कि विपक्ष ये सारा काम कर रहे हैं? योगेंद्र जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से आप देखिए अगर किसी भी मंत्रालय में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है तो रक्षा मंत्रालय है। आप चाहे देखिए जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उनके आधुनिकीकरण की बात करें, चाहे हम ये देखें कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं और जो वैज्ञानिक हैं और जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह में डेवलपमेंट किया, तो ये तमाम डेवलपमेंट सीडीएस की बात हो तो डेवलपमेंट इनोवेशन होते रहते हैं। और आज जो अग्निपथ योजना आई है वो एक बहुत जबरदस्त नवाचार है और एक क्रांतिकारी कदम है। आप देखिए कि इसमें 17.5 से 21 साल के बच्चे, जो अभी उनको मालूम ही नहीं होता कि हमको जीवन में क्या करना है, कि क्या दिशा लेनी है और हम कैसे उसके बाद पढ़ाई करेंगे या ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे, तो उनको एक भारतीय सेना में, जो तीनों विंग है भारतीय सेना के उनमें उनको भर्ती किया जाएगा और 10वीं पास व्यक्ति उसमें भर्ती होगा। आप देखिए, 12वीं करने में भी 2 साल लगते हैं, उसके बाद 2 साल, तो 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग रहेगी और 4.5 साल का उनके कार्यकाल रहेगा, और 4 साल बाद जब वो बाहर निकल के आएंगे तो उनकी औसत आयु आप मान सकते हैं 23-24 साल की रहेगी, 22 साल की भी रह सकती है कोई 18 साल में अगर भर्ती हुआ है। और आप देखिए, वो जब बाहर निकल के आएगा तो बहुत ही अनुशासित स्किल्ड व्यक्ति होगा और उसके पास एक आर्थिक संबल होगा। बता दूं, उसका आर्थिक संबल होगा जो उसके पास। हम मुद्दे पर 11 साल से सर, मैं टोक इस वजह से रहा हूं, आप जो बातें कह रहे हैं वो सारी चीजें हम स्क्रीन पे भी चला रहे हैं, और जब इस स्कीम की लॉन्चिंग हुई थी उस दिन भी इस पर काफी चर्चा हो चुकी है, बताया भी जा चुका है, अखबारों ने सब कुछ दिया है कि आपको ये पैकेज मिलेगा, इतने टाइम का ये रहेगा, 1/4 को हम आगे गवर्नमेंट उसमें परमानेंट जॉब मिलेगी, सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर हम बात ना करें, मुद्दे पर लौटे। मुद्दा ये है कि आप सारी बातें कह रहे हैं, आपकी पार्टी के अंदर मिनिस्टर से लेकर सांसद, विधायक, कई डिफेंस के जवान भी हैं, अधिकारी भी हैं, और पूर्व सेना प्रमुख भी जो काफी चर्चा में रहे, उन्होंने 1 रैंक 1 कमीशन के लिए सारे लोगों को एकजुट भी किया। वजह क्या है कि यूथ को
तीन दिन से आंदोलन चल रहा है और आप समझा नहीं पा रहे हैं, कोई तो ऐसी वजह है? नहीं, अभी मैं भारत ही नहीं राजस्थान के युवाओं से भी अपील करना चाहता हूं कि आप पहले इस अग्निपथ योजना को समझें, ये योजना क्या है और आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। जब आप चार साल बाद निकलेंगे तो उसके बाद आपके कितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स होंगे आप देखिए। पहला मिलिट्री फोर्सेज में आपको प्राथमिकता दी जाएगी, अगर आपके पास एक कॉर्पस फंड होगा 20-22 लाख का, जिससे अगर आप चाहें तो अपना व्यापार कर सकते हैं, तो आपको समझने की आवश्यकता है। मैं शैलेंद्र जी कहना चाहता हूं, यही कहना है उनका, ये कहना है चाहे यूपी गवर्नमेंट हो हरियाणा, वर्बली सब लोग कह रहे हैं कि हम इतने इसमें राहत देंगे, आपका अवसर मिल जाएंगे, वो यही तो कह रहे हैं कि अगर हम रिटायर होकर के आएंगे तो आप पैरामिलिट्री फोर्स में दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में दे रहे हैं, कि वो बताइए, नोटिफिकेशन दीजिए आप, जारी करिए। लेकिन साफ साफ आपके जिन लोगों को आपने प्रेस ब्रीफिंग के लिए कहा है, सबका ये कहना है कि अभी कोई काडर नहीं बनाया गया है, और काडर नहीं बनाया गया है इसका कोई बेनिफिट मिलेगा? देखिए सेना में रूल्स है, 5 साल की सर्विस से पहले आप उसको एक्स सर्विसमैन नहीं बना सकते, 4 साल में बनाया है। युवाओं का यही तो डर है कि 4 साल क्यों किया, फिर आपको इसको 6 साल भी कर सकते थे, 4 साल में से 1 साल कहीं छुट्टी में चले जाएगा, 6 महीने की आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसके लिए एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि डिफेंस की ट्रेनिंग 6 महीने सफिशियंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह की हार्डकोर ट्रेनिंग होती है वो सेना की 6 महीने में नहीं हो सकती पूरी। जवान जो जाता है वो युद्ध के मोर्चे पे भी रहेगा, ये तो आप कर नहीं सकते हैं कि वो तो सेकंड रेंड या सेकंड लाइन में रहेंगे, जो परमानेंट जॉब में लोग हैं वो फ्रंट लाइन में रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। उनकी चिंता ये भी है कि एक पैरा जो अग्निवीर है वो और एक परमानेंट जॉब वाला सोल्जर है वो, भगवान ना करे अगर शहीद होते हैं तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा जो उसको मिल रहा है। तो कुछ ऐसी चिंता है, आप उनसे डायलॉग क्यों नहीं है? आपके यहाँ पे इतने सेना से जुड़े लोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, वो मीडिया में बयान देने की बजाय उन यूथ्स को बताने की कोशिश करें। तो कोई तो ऐसी बात है कि जिसकी वजह से अभी तक आपका कम्युनिकेशन गैप जो है वो युवाओं के बीच में धैर्य खोने को मजबूर कर रहा है, आप इसे नहीं पहचानने की कोशिश कर रहे हैं? ये बात सारी ठीक है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, सारी चीजें आप भी काम भी कर सकते हैं, लेकिन 10-11 लाख रुपए में एक तो कोई काम नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो जवान 4 साल में निकल करके आएगा, ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मेरे अपने सवाल नहीं है, हमने कई लोगों से बात किए हैं जो आंदोलनकारी हैं, उनसे भी अलग अलग स्थानों से अलग अलग राज्यों से बात की है कि आप लोग चाहते क्या, सरकार के साथ डायलॉग करिए आप लोग। योगेंद्र जी, आपको युवाओं को समझने की आवश्यकता है कि आप 17 से 21 साल, हम जानते हैं, हमने भी वो एज गुजारी है, 17 से 21 साल तक हम समझ ही नहीं पाते हैं हमको अभी करना क्या होता है लाइफ में। आज आप एक सेना, भारतीय सेना का आपका तमगा मिलेगा, आप अग्निपथ का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको एक डिसिप्लिन लाइफ मिलेगी और आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा। आप देखिए 17 से 21 साल 25 साल तक लड़के घूमते हुए निकाल देते हैं, ग्रेजुएशन कर देते हैं, अगर कोई पियोन या क्लास फोर्थ की नौकरी निकलती है, 100 नौकरियां निकलती है, 1 लाख आवेदन आ जाते हैं, पीएचडी करने वाले, इवन इंजीनियरिंग करने वाले लोग उसमें अप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सोच है, इसको युवाओं को समझने की आवश्यकता है कि आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आप राष्ट्रवादी बनेंगे। आप देखिए, हम बचपन से सुनते हैं, मैं क्योंकि मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, मैं 4 साल रहा हूं, मुझे आज मालूम है कि आज मेरी पर्सनालिटी किस वजह से निखरी है। हम हमेशा यह कहते रहे कि हमको एक अनिवार्यता होनी चाहिए भारतीय सेना में, आपको 3-4 साल अनिवार्यता होनी चाहिए। आप देखिए विदेशों में 8-10 कंट्रीज ऐसे, इजराइल आपके सामने इतना बड़ा उदाहरण है, एक छोटा सा कंट्री है, वहां आपके हर 2 साल की वहां कंपलसरी आपको मिलिट्री में जाना होता है। तो लेकिन शैलेंद्र जी, ये सारा जो शैलेंद्र जी एक नवाचार है, शैलेंद्र जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो फंड है उसमें से 34% जो पैसा है वो आपके सैलरी और शायद पेंशन में, 34% तो पेंशन में जा रहा है पैसा, ये बात ठीक है। आप सरकार को स्टेप लेना होगा, मैं ये नहीं कहता कि रिफॉर्म्स की आवश्यकता होती है हर बार, लेकिन क्या वास्तव में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा सकता था? मेरी पीड़ा यह है कि जो कुछ दृश्य मैं सामने देख रहा हूं कि आम राहगीर किस तरह से परेशान हो रहा है, वो एक पीड़ा की बात है। आपने सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया, हर स्टेट में भी कराया, लेकिन कोई ऐसी चूक जरूर है इस योजना में जो आप या तो समझना नहीं चाहती सरकार, या समझ रही है तो फिर वो बताना नहीं चाहती। चलिए 21 से 23 साल आपने किया, वो 2 साल का गैप रहा इस वजह से, चले बहुत अच्छी बात है कि युवाओं की बात सामने आई तो समझे, अच्छी बात है। चले सोनी जी, आपके पास आना चाहूंगा, आप लोगों पे आरोप ये लग रहा है कि मैं कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को सुन रहा था तो उनका कहना था कि सेना पे तो रहम करिए, इस पे तो राजनीति मत करिए। देखिए कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपनी पूरी सेवाएं देकर के, आज जो उनकी सेवा में उनको परिलाभ मिलने चाहिए थे वो लेकर के और आज बैठे हैं, तो
तो वो अगर इस तरह की बात कहते हैं तो मेरी समझ से परे। सबसे बड़ी बात ये भी, मैं शैलेंद्र जी को भी सुन रहा था, मैंने बहुत सारे युवाओं को भी सुना, तो अभी बात चल रही है 17 से 21 साल 22 साल तक उनको ये सेना में रख करके फिर भेजेंगे, कह रहे हैं कि अनुशासित जीवन होगा। लेकिन देखिए, आज जो रेगुलर भर्ती होती थी वो या तो IMA के तहत होती थी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आदमी जाता है, 3 साल वहां पे ट्रेनिंग पाता है, उसको ग्रेजुएशन की या जिस भी फील्ड में हो जाता है उसकी उसकी डिग्री मिलती है साथ में, ताकि वो सेना से निकले तो उस डिग्री के तहत जब भी वो निकलेगा कमीशन के बाद में उसको अपनी नौकरी पा सकता था, या कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज से जाता था तो PG की डिग्री लेता था वहां पे जाकर के। आज हम क्या दे रहे हैं? आप युवाओं को ये जो बात कह रहे हैं ना कि साहब अनुशासित जीवन देंगे, आप बोल रहे हो कमीशन की बात, आपने जो IMA की वो तो ऑफिसर्स की बात है, ये जो बात है ये जवानों की बात है, कमीशन की बात है, गलत ऑफिसर्स लाइन में ले जा रहे हैं। भाई ये जवान जवानों की बात है, उसमें से 25% जो है वो रेगुलर जवान बनेंगे, आप देखिए वो रिटेन करेगी उसको। या तो बोल चुके ना बात, नहीं आप गलत तथ्य बोल रहे हो, IMA बोला तो मैंने उसी संदर्भ में बोला, तो मैंने ये बताया IMA में जाता ही नहीं जवान। सुनिए, जो जवान जाता है उसको अगर आप सर्विसेज में लेते हैं, वो अपनी सर्विसेज देता है, उसके बाद उसको एक्स सर्विस में इनका लाभ मिलता है, उसको आगे जाकर के उसके भत्ते मिलते हैं, उसको राशन के लिए और इनके लिए सुविधाएं मिलती हैं, वो सुविधाएं कहां मिलेंगी? दूसरी चीज, जो जवान निकल के आएगा आप उसको अनुशासित जीवन नहीं दे रहे, आप उसको रिजेक्शन दे रहे हैं। आप 25% के अलावा जो 75% जिन लोगों को बाहर करेंगे उनको आप रिटायर नहीं करेंगे, उनको आप जो दूसरी परीक्षा होगी जब आप उसमें ये छाटेंगे कि कौन सही है किसको रिटेन करना है, तो जिनको आप हटाएंगे वो रिजेक्ट होकर के हटेंगे, तो आप 22 साल की उम्र में एक व्यक्ति को रिजेक्शन का रिजेक्टेड एलिमेंट का तमगा लगा करके पहले तो बाहर निकालेंगे। जिस उम्र में आदमी अपना जीवन शुरू करता है उस उम्र में उसको आप रिटायर्ड कर्मचारी का ठप्पा देकर के भेजेंगे। और क्या मैं ये पूछना चाहता हूं, बार बार भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने ये कहा कि साहब हम उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में प्राथमिकता देंगे, आप प्राथमिकता की बात मत करिए, क्या आप ये गारंटी लेते हैं कि जितने भी व्यक्ति जो 75% आप बाहर करेंगे 4 साल की सर्विसेज के बाद, क्या उन सभी को नौकरी का गारंटी होगी, 100% गारंटी होगी? वो नहीं होगी, क्योंकि योगेंद्र जी जब रिजेक्ट करके आपने ही बाहर भेज दिया सेना से, पहली परीक्षा उसकी होगी जब वो सेलेक्ट होगा, दूसरी परीक्षा होगी वो 25% के लिए, तो जब आप रिजेक्ट करके भेज देंगे तो आप क्या गारंटी लेते हैं कि उन सभी को नौकरी देंगे, क्या सभी को रोजगार मिलेगा? ये चीज नहीं हो सकती। हिंदुस्तान इज़राइल नहीं है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे एक विशाल जनसंख्या। तो आप इसको इज़राइल नहीं बनाना चाहते, हिंदुस्तान को इज़राइल नहीं बनाना चाहते, उदाहरण इसको US और यूरोप की तरह आप इसको दूसरी जो जिस हिसाब से सेना का डेवलपमेंट होता है, आधुनिकीकरण होता है, उसके हिसाब से आप नहीं बनाते। ये इज़राइल नहीं है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की आबादी है, हिंदुस्तान में सेना का शौर्य और गौरव है, इस गौरव को आप जो है ठेके पर दे करके आप मिटा नहीं सकते और नहीं मिटाने देंगे। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से योगेंद्र जी आह्वान करता हूँ, लेकिन इसको ठेके पे कैसे कर सकते हैं? चलिए आप कॉन्ट्रैक्ट तो कह सकते हैं, संविधान की तरह हो सकता है, लेकिन ठेके पे कैसे हैं? ठेके में तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट उनका रिक्रूटमेंट कर रही है, तो कोई ठेका प्रथा कैसे कह सकते हैं इसे? आप बताइए, आप सेलेक्ट करके रिक्रूट कर रहे हैं, आपने तय कर रहे हैं ना 4 साल के लिए करेंगे, 4 साल में आपने तय कर दिया कि भाई इतने रुपए तनख्वाह देंगे जब तक रहेंगे और उसके बाद इतने पैसे देकर के आप हटा देंगे, तो क्यों हटा देंगे? आपने आज तक जिस तरह से सेना चलती आई है, हमारी इतनी विशाल जनसंख्या है, इतनी विशाल सीमा है, एक किंडरगार्टन आर्मी बनाने की हिंदुस्तान में आवश्यकता नहीं है, हिंदुस्तान को एक प्रॉपर आर्मी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जिस वक्त चीन ने हमारी सीमाओं का उल्लंघन किया हुआ है, वहां पे एक गांव बसाए हुए हैं, पूरे जो दुनिया के मुल्क इस पर चिंता जता रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को चिंता नहीं है। ये नवाचार अगर होता तो संसद में क्यों डिस्कस नहीं हुआ? क्यों जिनका स्टेक्स है उनसे, युवाओं से डिस्कस नहीं हुआ? इस योजना को बनाने से पहले क्या हमारी जो संसदीय व्यवस्था है आज उसको नकार क्यों रहे हैं? जब नोटबंदी की आपने संसद में डिस्कस नहीं किया, आपने 3 कृषि कानून लाए, आपने किसानों से डिस्कस नहीं किया, तो आज आप ये थोपना क्यों चाहते हैं? आज अगर युवा विरोध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये बात उद्वेलित करती है हम सबको कि उनका भविष्य। चलिए मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। अनिल जी, क्या लगता है आपके आपके कई काफी जो अभ्यर्थी हैं या फिर जो जवान सेना में जाना चाहते हैं उनसे बात हुई है, क्या कोई डायलॉग की कमी रही है या सरकार उन्हें समझा नहीं पाई है या नहीं पा रही है? बयानबाजी तो बहुत हो रही है, पार्टी की तरफ से भी हो रही है, सरकार की तरफ से भी हो रही है, लेकिन युवाओं के बीच जाकर के कोई भ्रम है या कि जिसे दुरुस्त नहीं किया जा रहा, या फिर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम
हर गवर्नमेंट जॉब में अब 4 साल की भर्ती का प्रचलन चल पड़ेगा, तो इसे रोका जाना चाहिए। कोई तो वजह है कि जिसकी वजह से उद्वेलित तो हो रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री की कमेटी है, उसको भी कांग्रेस ने लेटर लिखा है कि इस पर डिस्कस होना चाहिए और सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए। उधर बीजेपी का ये कहना है कि गुमराह किया जा रहा है यूथ को, तो क्या लगता क्या है कि कहीं चूक है सरकार के स्तर पे? देखिए, यूथ की जो सोच है, खासतौर से जो भर्ती निकाली गई है, आज भी युवा ये सोच रहा है कि काफी इंतजार हुआ और अब भी उनको 4 साल तक के लिए रखा जाएगा, यानी उनका फ्यूचर क्या होगा। आज अगर जिस तरह से योजना यहाँ पर लागू की गई, 2 दिन में बदला हुआ, एक लाइन अगर इसमें जोड़ दी जाए कि 75 जो लोग हैं उनके लिए भी रोजगार रहेगा, उनको अगर वहां से हटाया जाता है तो दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। युवा जो आंदोलन आज कर रहे हैं वो शायद अपने घरों की ओर लौट जाएंगे, लेकिन ये आंदोलन अगर 1000 लोगों को भर्ती किया जा रहा है, 750 लोगों को वहां से रिजेक्शन वापस दिया जाएगा, तो एक बड़ा आंकड़ा होता है संविधा के तहत जिस तरह का मामला बैठता है। क्योंकि आज भी अगर गवर्नमेंट्स में देख लें, संविधा पर जो कार्मिक काम कर रहे हैं, 4 साल तक के लिए उनको लिया जाएगा, तो ऐसा ही कुछ माहौल वहां पर भी रहेगा। पूरी तरह से वो काम नहीं कर पाएंगे, उनको पता होगा कि वो 4 साल वहां पर निकालने हैं, उसके बाद में उनको डाइवर्ट होना है कहीं दूसरी जगह रोजगार, उनको तमाम जो यूथ है उनको देखना होगा। तो 25% बनाम 75 की ये लड़ाई है। अब ऐसे में 25% लोग कौन होंगे और 75 जो रिजेक्शन है, वो आंकड़ा बड़ा अपने आप में दिखाई दे रहा है। तो ये जो गतिरोध की स्थिति है, युवा नहीं समझ पा रहा है, अच्छी योजना हो सकती है, एक बड़ी बेरोजगारों की संख्या है देश के अंदर, 40 करोड़ से पार का आंकड़ा इसको कहा जा सकता है, इसको कैसे खपाया जाए। इस योजना में कहीं ना कहीं ये एक झलक में दिखाई दे रही थी कि देश की जो बड़ी बेरोजगारी की संख्या है उसको यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है, 4 साल तक के लिए हो सकता है कि उनको कुछ खुशी यहाँ पर मिल पाए, फिर दूसरी तरफ अपना रुझान भी कर पाए। लेकिन ना तो युवा उसको समझना चाहता है, आज भी यूथ ये देख रहा है कि गवर्नमेंट कुछ इस तरह की योजना लाए या फिर भर्तियों का आंकड़ा इसमें बढ़ाया जाए, केंद्र की तरफ ही टकटक लगाए रहता है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ भी अगर देखा जाए तो यूथ ये चाहता है कि बड़ी संख्या में भर्तियां निकाली जाएं। हालांकि ये आसान नहीं है कि हर युवा को सरकारी नौकरी दी जाए, लेकिन फिर भी युवा चाहता है कि सरकार इस ऑर्डर के पीछे एक ऑर्डर कुछ ऐसा निकाले ताकि जो सेवेंटी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, स्वर्णिम जी से मेरा सवाल होगा, आपसे भी होगा। ये देखिए, गवर्नमेंट अभी भी जो सिस्टम है उसमें एक सर्विसमैन के लिए, अगर वो पर्टिकुलर सेगमेंट एक सर्विसमैन का ही होता है तो उसमें पद होते हैं, कितने पदों पे हजारों लोग भरते हैं, वो तो जिसकी किस्मत में नौकरी हो उसको मिल पाती है। तो चर्चा क्या है कि एक पर्टिकुलर ये दे कि हाँ जो एक सर्विसमैन, तो चलो उनको काडर नहीं मिल रहा, अलग से वो रहेंगे, ये अग्निवीर कहलाएंगे, लेकिन उनको कि राज्य सेवा में 10% आरक्षण मिलेगा या फिर दूसरी सर्विसेज होंगी या पैरामिलिट्री से, कुछ ऐसा आश्वासन चाहते हैं कि उसमें से जो बच्चे आज अग्निपथ की परीक्षा पे निकल रहे हैं तो उन्हें कुछ राहत मिल सके, कुछ चाहते हैं सरकार से ऐसा? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज का युवा नौकरी चाहता है, अपना भविष्य चाहता है। भविष्य का मतलब उसका भविष्य, जो उसका आने वाला जीवन है, पूरे जीवन की बात करता है वो, 4 साल की बात नहीं करता, क्योंकि 4 साल का बहुत एक अल्प समय होता है एक जीवन में, जो 18 साल के युवा के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अग्निपथ की बात कर रहे हैं, अग्निपथ पे तो आपने चला दिया। अगर इस तरह से आप जवान भर्ती करेंगे और 4 साल में हटा देंगे तो आगे क्या करेगा वो, कहाँ जाएगा, क्या रूट खाएगा और कैसे अपने परिवार को पालेगा? और मान लीजिए जब आप ऐसी दुर्गम परिस्थितियां हैं जहां पे अपने देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर वो सर्दी गर्मी बरसात में खड़ा होगा, तो ऐसी परिस्थिति में खड़े होने वाले युवा को हम क्या दे रहे हैं? 4 साल का रोजगार, ये उचित नहीं है। ये इसलिए उचित नहीं है कि जब सेना में भर्ती करते हैं, और आज आंदोलन क्यों चल रहा था, लंबे समय से आंदोलन थे युवा, क्योंकि 2.5 लाख से अधिक पद सेना में खाली पड़े, उनको क्यों नहीं भर रही है सरकार? 62,29,000 से अधिक पद केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में खाली पड़े, नहीं भर रही है सरकार। आप सेना को लेकर के अर्थव्यवस्था का रोना नहीं रो सकते, आपको सेना देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और सेना के शौर्य के पीछे ही तो मोदी जी दोबारा चुन के आए थे, और आज उस सेना को छिन्नभिन्न बर्बाद करने पर तुले हुए, ये कहां, क्या ये न्याय उचित है युवाओं के लिए कि आप उनको रिजेक्ट करके भेज देंगे? 22 साल का युवा अपने माथे पर ठप्पा लगा करके रिजेक्टेड लिखवा करके आता है, तो उसका मनोबल और उसका कहना चाहिए आत्मसम्मान क्या आहत नहीं होगा? यह गलत है, इसका हम विरोध करते हैं, और हम आह्वान करते हैं सभी युवाओं से, जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप शांतिपूर्वक कीजिए। किसी संपत्ति को, किसी रेलवे लाइन को, किसी ट्रेन को आप नुकसान ना पहुंचाएं, हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, बस शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, कोई ना कोई हल निकलेगा और नरेंद्र मोदी जी वापस लेनी पड़ेगी। शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। एक तो आपकी ओर से ये बात कही जा रही है कि सेना के शौर्य सम्मान और उसके स्वाभिमान पर
कीचड़ उछाल रहा है विपक्ष, ऐसा क्यों लगता है? अगर इस आंदोलन में कोई विपक्ष का नेता ये भी कह देता है कि सरकार को इसको वापस लेना चाहिए तो सम्मान में कहां ठेस पहुंच रही है, ये बात क्यों कही जाती है बार बार? योगेंद्र जी, एक बात तो ये समझनी होगी कि इससे जो भारतीय सेना का काडर है ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। भारतीय सेना का जो काडर है कॉम्पैक्ट है, वैसे के वैसे ही है। ये जो भर्ती की जा रही है इनमें से आपने देखा होगा, हम हमारे बच्चे ही देख ले, हम ही देख ले, अगर एग्जांपल है ये सब पैनलिस्ट बैठे हैं, 17.5 साल से 21 साल हमने क्या किया है आप बताइए? 10वीं और 12वीं के बाद हमने ग्रेजुएशन करने के बाद क्या किया? कुछ नहीं कर पाए हम। आज आपको राष्ट्र निर्माण, आज वो व्यक्ति का निर्माण हो रहा है, व्यक्ति का निर्माण हो रहा है, राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, वो स्किल्ड हो रहा है, डेवलप अपने आप की पर्सनालिटी डेवलप कर रहा है। उसके बाद जब वो 21 साल 22 साल में बाहर आता है 23 साल में, तो उसके पास एक बैंक बैलेंस है 20 लाख का। अरे जब हमने स्वर्णिम जी बैठे हमने वकालत शुरू की थी 1000 रुपए भी नहीं मिलते थे हमको साहब, हमने 28 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ इस योजना को समझने की आवश्यकता है। कितना पैसा बता रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि साहब 11.70 लाख मिलेगा कॉर्पस जब वो रिटायर्ड होगा, मतलब रिटायरमेंट नहीं कह सकते कि वो 4 साल की जब सर्विस करके वापस आएगा तो उसको 11.70 लाख कॉर्पस मिलेगा, प्लस उनको जो हर महीने तनख्वाह मिलेगी, जो साल भर की फर्स्ट ईयर की तनख्वाह उनकी जो होगी टोटल में 2.5 लाख के, फिर 10-10% होगी 3 लाख 3.5 लाख इस तरह से, क्योंकि वो एक खुद 17 से 22 साल का लड़का है, उसका कोई खर्चा नहीं होता, तो वो कम से कम 7-8 लाख रुपए वो सेविंग बचेगा, तो कुल मिला के इनके पास 20 लाख सेविंग बचेगी। और आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप उस व्यक्ति का आप राष्ट्र निर्माण में, चरित्र निर्माण में वो व्यक्ति भागीदार हो रहा है। आज हमको अगर ये सौभाग्य मिलता, आज मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, मुझे अगर वो सौभाग्य मिलता कि उस समय अगर मैं भी 4 साल सेना में भर्ती में काम करता और वो भी 10वीं, आप देखिए उस 10वीं के बाद 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा जब वो 12 आएगा, उसके बाद उसके पास 4-5 साल का वक्त होगा कि अगर आप किसी और सर्विस में जाना चाहते हैं, आपको पता है कि एक सर कोई भी फोर्थ क्लास क्लास ग्रेड की सर्विस आती है तो थर्ड क्लास की उसकी 28 साल उम्र होती है, तो उसके पास 4 से लेकर 6 साल का वक्त होगा। अगर उसको कहीं नौकरी पे जाना है तो निश्चित तौर पर वो नौकरी की तैयारी कर सकता है, नौकरी ज्वाइन कर सकता है। अगर उसको व्यापार शुरू करना है तो उसको प्राथमिकता के साथ लोन दिया जाएगा, सरल लोन दिया जाएगा, कम रेट पे लोन दिया जाएगा। और उसके अलावा अगर वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहता है तो उनको प्राथमिकता ही मिलेगी। आप देखिए कॉर्पोरेशंस, पब्लिक कॉर्पोरेशंस, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, लेकिन कहां लिखा हुआ है कि उन्हें प्राथमिकता मिलेगी? कहां लिखा हुआ है ये तौर पे कहा जा रहा है? इतने तो लिख के दीजिए ना आप, निश्चित तौर पे कर रहे हैं, करा जा रहा है तो निश्चित तौर पर। एक बार बताइए किसने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस दिन लॉन्च कर रहे थे इसको, उस दिन उनसे बात हुई तो फिर बार बार क्यों आ रही बात उनको? यही तो चाह रहे हैं। कहां लिखा हुआ है कि उनको अलग से उनको बेनिफिट मिलेगा, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी? कहां लिखा हुआ है ये? बिल्कुल नहीं है। आज के दिन तो मुझे पता नहीं है, है नहीं कहीं पे। कल का अगर कोई अमेंडमेंट आता है तो पता नहीं है, लेकिन आज नहीं है कहीं पे भी। मैंने खुद ने डिफेंस ऑफिसर से पूछा है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी कि नहीं उसमें अलग से कोई काडर नहीं है, और अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें कोई एडिशनल बेनिफिट किसी भी भर्ती में मिल पाएगा, बिल्कुल नहीं है। आप लोग बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं कि नहीं ये मिलेगा वो मिलेगा ये मिलेगा वो मिलेगा? बात कहना चाह रहा हूं चैनल पे सर, आप हमें कह तो रहे, भ्रम फैल रहा है इससे। वो यूथ यही तो चाह रहा है, कोई रिटर्न में देगा उनको ये निकाल करके? आप गवर्नमेंट से विज्ञप्ति जारी कराइए जिस हिसाब से गवर्नमेंट्स ने कहा है, आपने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आप देखिए हरियाणा, उत्तराखंड, आसाम, इन्होंने सब राज्यों ने कहा है कि हम जारी करें, पुलिस भर्ती जारी प्राथमिकता देंगे, लेटर जारी करें, बयान भी आने पर सब होगा। योगेंद्र जी जब कोई योजना आई है पहले आप उस योजना को समझें। यूथ, मैं भारत की युवा वर्ग से अपील करना चाहता हूं, इस योजना को समझिए। आज आप जो 17 से 21 साल 22 साल 25 साल हम यूं ही गवा देते हैं अपने जीवनों के कि हमको नौकरी मिलेगी और अंत में नौकरी नहीं मिलती है। आज आपको इतना बड़ा मौका मिल रहा है, आप एक राष्ट्र नीति के साथ जुड़ रहे हैं, आपका व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, आपका चरित्र का निर्माण हो रहा है, आप स्किल्ड हो रहे हैं। आप बाहर आएंगे तो आप देखेंगे आप वो व्यक्ति नहीं थे अगर जो आप घर में बैठे रहते हैं, कॉलेजेस में रहते हैं, व्यक्ति नहीं होते। शैलेंद्र जी, मैं शैलेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जज्बा तो देखिए हर में जो आप अग्निवीर जाएंगे, क्यों जज्बा उन्हीं में नहीं है सर, जज्बा हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं है, पूरे भारतीय में जज्बा है। तो आप बार बार ये मत कहिए, बार बार ये मत कहिए कि देशभक्ति का जज्बा और राष्ट्र निर्माण में सेवा हर व्यक्ति करना चाहता है, देशभक्ति का जज्बा सब में, सीना फाड़ के कोई नहीं दिखाना चाहता। हनुमान जी की तरह देखिए, भारत माता की तस्वीर मेरे सामने भी, अगर अवसर मिलेगा तो मैं भी खून दूंगा, ये कहीं कोई बात नहीं। सुनिए एक बार, सुनिए जा रहा हूं मैं, मुझे एक चीज समझाइए सर। आप 4 साल की आप बात कह रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि इग्नू के जरिए वो अपनी ग्रेजुएशन कर सकता, अच्छी बात है, कोरस्पोंडेंस के जरिए करेगा। सर वो 4 साल के लिए जाएगा, पहले साल में उसकी ट्रेनिंग्स होंगी। आप अगर मान लो कि 6000 की भर्ती कर रहे हैं,
अग्निवीर की। हमारे यहाँ पे एग्जाम का सिस्टम है कि मार्च से मई के बीच हर स्टेट में कहीं कहीं एग्जाम होता है। सर वो सारे छुट्टी लेके आ जाएंगे, 6,000 को एक साथ छुट्टी दे दोगे आप? नहीं, वो प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए सर। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? 4 साल शैलेंद्र जी, 12th मिलेगा शैलेंद्र जी, जितनी भी क्लास 4 की सर्विसेज हैं उनमें 12th की क्वालिफिकेशन होती है, उनके पास पर्याप्त समय रहेगा 4 से 6 साल का। मैं यही कहूंगा, और जो अगर ग्रेजुएशन करना चाहता है वो दूर, उसको हो सकता है, बिल्कुल वो जो नियम बनेंगे, उपनियम बनेंगे, उनमें उनको छूट होगी कि वो किस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंट से कर सके। क्या कह रहा हूँ, आप तो मुझे एक चीज बताइए, आपकी पार्टी के नेता भी हैं, हर जगह से आपके सांसद भी, यहाँ देश में सर्वाधिक सांसद आपके हैं, तो निश्चित रूप से हर राज्य में आपके काफी सांसद हैं, जहां पे आंदोलन चल रहे हैं, जहां पे ये आप लोग सब बयान जारी कर रहे हो, मीडिया को बुला करके बाइटे दे रहे हैं, इससे बढ़िया वहां जाकर के कोई नेता कोशिश कर रहा है कि आप में भ्रम पैदा किया? मैं आपकी बात को खारिज नहीं कर रहा, हो सकता है कि कुछ लोग इसमें रोटी सेकने की कोशिश कर रहे होंगे, मैं इसे बिल्कुल नहीं खारिज कर रहा कि आप में कि जो बात है उसका कोई वजूद नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज भी अब इसमें अपना रंग दिखाना शुरू कर रही हैं, लेकिन आप अवसर क्यों दे रहे हैं? आप समझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं वहां पे उन लोगों के बीच में? अभी तक कोई जाने की कोशिश की है? ठीक है, वो जवान है, युवा खून है, वो गलतियां कर रहे हैं अभी जो दिखाई दे रही है सामने, लेकिन उनको समझाने की कोशिश तो करिए। दूर से बयान जारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार, वो यही तो कह रहे हैं कि कौन से सरकार ने रिटर्न में दिया है कि हम इतने % नौकरियों का आपको आरक्षण देंगे? अगर दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, उनको समझाना चाहिए। योगेंद्र जी, मैं तो समझाइश क्यों नहीं की जा रही है अभी तक? समझाइश क्यों नहीं की जा रही है? योगेंद्र जी, मैं एक सिंपल सा मैंने आपके क्वेश्चन रखा था कि 17.5 साल से 22 साल 23 साल तक का लड़का क्या करता है, 10वीं पास करने के बाद क्या करता है, भटकता है, 12वीं पास करने के बाद क्या करता है, भटकता है, आज ग्रेजुएशन करेगा अपनी, ग्रेजुएशन के बाद क्या हालात है आपको पता है? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, पियोन की नौकरी के लिए आप देखिए, आपकी बात ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सहमत, इंजीनियर आ रहे हैं, सहमत तो मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, अच्छी स्कीम है, इसको समझाने की आवश्यकता है युवाओं को, और निश्चित तौर पर हमारे शीर्ष नेता इसीलिए बार बार मीडिया के सामने आ रहे हैं बयान देने की, आप युवा वर्ग समझिए इसको, आप ये विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके बुलावे में मत आइए, जबरदस्ती आप अपना नुकसान नहीं करिए, आपको कौन दे रहा है? आप देखिए इजराइल कितना पावरफुल कंट्री हो गया, सिर्फ ये पॉलिसी हम भी सोचते थे, आज हर भारतीय सोचता है कि हमारी एक अनिवार्य नौकरी होनी चाहिए, अनिवार्य हमको 2 साल की ट्रेनिंग मिलिट्री में होनी चाहिए। बहुत से राज्य कंट्री है देश में जिनमें कहा जाता है, बड़े बड़े प्रिंसेस गए आर्मी में नौकरी करने, 2 साल 3 साल नौकरी करके आए, शॉर्ट कमीशन हमारे यहां पहले था, SSC नहीं था, आज भी है कि 5 साल 2 साल की ट्रेनिंग होती थी, 5 साल की सर्विस होती थी, 7 साल का टेन्योर होता था, वो निकल के आते थे और उनको फिर नौकरियां भी मिली हुई है, ऐसा नहीं है कॉर्पोरेशन ने दिए, पब्लिक कॉर्पोरेशन ने दिए। हाँ, जो अगर जवान का कैडर है, जवान का कैडर 15 साल का है, आप देखिए 15 साल उसका टाइम निकल जाता है, आप ये देखिए वाला व्यक्ति है उसका निर्माण हो रहा है, चरित्र निर्माण हो रहा है, आर्थिक स्वावलंबन हो रहा है उसका, इससे बड़ी बात और क्या होगी? आप देखिए लोग तरस रहे हैं, इजराइल फॉर्मूला, अमेरिका फॉर्मूला, यूरोप के फॉर्मूले, और जब 8 देशों की स्टडी करके 2 साल में अध्ययन करके रिसर्च करके ही कोई सारी बात ही खत्म हो जाती, इसको पार्लियामेंट में रख सकते थे कि पार्लियामेंट में रखते हैं, रक्षा विशेषज्ञों की जो कमेटी बनी हुई है उसमें रखते हैं, क्योंकि मैं देखे चैनल्स पर जो डिबेट और ऑफिसर्स को सुन पा रहा हूं उसमें ये कहना है कि हम इसको तो खारिज नहीं करते हैं कि सरकार ने मनगढ़ंत तरीके से योजना बना दी, बिल्कुल नहीं बनाई होगी, कुछ लोगों की राय भी ली होगी, इंटरनल इनका अपना सिस्टम होगा, उसके आधार पर चर्चा भी की होगी किसी से, लेकिन इसको पार्लियामेंट में रख सकते थे, इस पे डिस्कशन होना चाहिए था, इसको ओपन किया जाना चाहिए था कि हम ये योजना लेकर के आ रहे हैं और इस योजना के बाद ये इस पे इस तरह के बेनिफिट्स हम देंगे, तो मुझे लगता है कि शायद कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। अभी ये लगता है कि गवर्नमेंट क्यों कहती है और उसको थोपने की तरह व्यवहार करती है कि हमने कह दिया जो कर दिया, ये आपको करना ही है, लागू हो गया, नोटबंदी हो चाहे GST हो चाहे किसान बिल की बात हो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं शैलेंद्र जी जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इन्हीं लोगों की चुनी हुई है, डायलॉग रखना चाहिए, अगर कोई कमी है तो खैर चले, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स के बारे में सोचा नहीं होगा और बिना सोचे समझे ही ऐसे थोप दिया, बिल्कुल नहीं होगा, चर्चा की होगी। स्वनिम जी समय कम है, मैं आपके पास शैलेंद्र जी, शैलेंद्र समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, मैं 30 सेकंड अनिल जी को और 30 सेकंड मैं स्वनिम जी को देना चाहूंगा। स्वनिम जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सरकार तो डायलॉग किसी से करना ही नहीं चाहती, ये जो भी होता है प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद या किसी मंत्री की घोषणा के बाद ही पता पड़ता है कि योजना लागू कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट में डिस्कस कीजिए, पार्लियामेंट में चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, देश का आप आईना होता है पार्लियामेंट, वहां पे आप क्यों नहीं चर्चा करना चाहते? उस चर्चा से भगना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग कोई ऐसी योजना लाएं जो जनहित में नहीं है।
40,000 लोगों को, जब 2,55,000 अगर पद खाली हैं सेना में जवानों के, तो आप इसको क्यों नहीं भर रहे हैं? 40,000 पद आप साल के भरना चाहते हैं, ये आप कह रहे हैं इस तरह से, और उनमें से 75% को आप रिजेक्ट करके वापस भेज देंगे, तो ये युवाओं के साथ कुठाराघात होगा। बार बार आया कि 17 से 21 साल का युवा क्या करता है, अपनी फाउंडेशन बनाता है 25 साल की उम्र में, जितने IAS बनते हैं 25 साल 26 साल की उम्र में ही बन जाते हैं, इससे बाद उनको चांस नहीं होता। तो ये बहुत बड़े बड़े टेंथ करने के बाद अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसका क्या होता है? ट्वेल्थ करने के बाद अगर कोई नहीं पढ़ता तो क्या होता है? उसको वो जवान बन के जाता है और 15 साल आर्मी में गुजार के आता है, पूरी जिंदगी लगा के आता है, और उसको पूरे जीवन भर जो भत्ते और जो सुविधाएं वो भी प्राप्त करता है देश के लिए, जो अपने प्राणों की बाजी लगा करके जब सीमाओं की रक्षा करता है, तो वो आदमी ये डिजर्व करता है, वो उसको उसमें भी 25% तो आपके रिटेन और अरे उसमें तो जाएंगे, शहीद हो जाए तो आप उसको शहीद का दर्जा भी दोगे, क्योंकि वो नौजवान सिपाही होंगे, नौजवान सिपाही नहीं होंगे, 75% रिजेक्टेड लोग होंगे। आपके पास आना चाहूंगा, समय कम है, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है आपको कि अभी यूथ और गवर्नमेंट के बीच में डायलॉग का अभाव, इसी वजह से ये दृश्य हम देख रहे हैं जो पीड़ा पहुंचाते हैं हर आम हिंदुस्तानी को? देखिए, कहीं ना कहीं डायलॉग का अभाव नजर आ रहा है, खासतौर से युवा जो है आज भी ये देख रहा है कि क्या कुछ इसमें होने वाला है। डिबेट में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो आते हैं या पदाधिकारी आते हैं, उनको पहले समझना होगा कि आखिरकार योजना क्या है और क्या बेनिफिट्स इसमें यहाँ पर है। क्योंकि हमने अगर पिछले साल का जिक्र यहाँ पर करूँ, जो किसान आंदोलन था, कृषि बिल 3 पारित किए गए थे, ये काफी डिबेट हुई थी, समझाने की कोशिश थी कि किसानों का ये हित होगा, लेकिन वो नहीं हो पाए और आखिरकार में बैकफुट पर केंद्र सरकार को आना पड़ा, तो वो स्थितियां नहीं हो इसमें। तो ऐसे में केंद्र सरकार को भी देखना होगा, उनके तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको तैयार करना होगा और फिर एक मैसेज जनता के बीच में देना होगा, और खास तौर से यूथ के बीच में, कि ये बेनिफिट्स उनके लिए हैं, और उसके बाद में 4 साल के बाद में उनके लिए दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें उनको सवार होना है। अगर वो युवा समझ पाया तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं रुकेगा, लेकिन तस्वीर जिस तरह की नजर आ रही है, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये तो उससे भी उग्र आंदोलन लग रहा है। और ये जो नजारे, क्योंकि जिस तरह की आगजनी है, तोड़फोड़ है, स्थितियां 2 दिन में इतनी बढ़ गई हैं, तो आने वाले 2-3 दिन में स्थितियां और बेकाबू हो सकती हैं। देखिए, मैं गुजारिश यूथ से भी करना चाहूंगा कि आप धैर्य रखिए, गवर्नमेंट के सामने आप दबाव बनाइए, अपना पक्ष रखिए, लेकिन चिंता उन लोगों की करिए जो लोग अपना सफर तय कर रहे हैं, स्कूल से आने वाले बच्चों की पीड़ा को समझने की कोशिश करिए। आप भी किसी अभिभावक के बच्चे हैं, बहुत सारी जो तस्वीरें हमारे सामने लेकर के आए हैं और जो आ रही हैं, चैनल्स पे चल रही हैं, बहुत सारे लोगों को पीड़ा पहुंचाती हैं। आप कोशिश करिए कि संयम के साथ अपनी बात कह सकें। गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि उनसे चर्चा करें, अपने पार्टी के जो पैनलिस्ट हों या नेता हों उन तक बात पहुंचाने की कोशिश करें, उन्हें समझाने के लिए वो यूथ के बीच में जाएं। लेकिन हिंसा का मुझे लगता है कि कोई स्थान नहीं है, इस पर संयम की आवश्यकता है और जरूरी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य इस हिंसा के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर आप पे कोई केस दर्ज होता है, आपकी गिरफ्तारी होती है, तो आपके लिए मुसीबत पैदा हो सकती है, जिससे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। और आप संयम के साथ में आप बैठिए, आप पे बात करने की कोशिश करिए, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये डायलॉग शुरू किया जाए, और हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा शैलेंद्र जी, समय ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।